और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथेन नेटवर्क के बारे में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसके ऊपर वीडियो बना ली, मैं इतना पीछे क्यों हूं, इतना डिले इस बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूं। देखो दोस्तों यहां पे मैं फुल रिसर्च करी है, रिसर्च के साथ ही आप लोगों के सामने लेके आया हूं क्या ये जो नेटवर्क है, क्या ये जो प्रोजेक्ट है आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। देखो माइनिंग करना तो आपको आता है कि भाई इसको इंस्टॉल करना है, रेफर कोड को यूज करना है और माइनिंग के बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी माइनिंग एज इट इज चालू होने लग जाएगी। लेकिन क्या क्राइटेरियाज है, क्या इसका फ्यूचर गोल्स हो सकते हैं, क्या एथेन नेटवर्क यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है और अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप कुछ ना कुछ इस वीडियो को सीख के ही जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। लगे हाथ सेकंड चैनल टेकियम 2.2 फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं। अभी रिसेंटली हेयर वॉलेट के अंदर भी कुछ अपडेट्स आई हैं जहाँ पे आप हॉट टोकन्स अर्न कर सकते हो कोई अलग तरीके से भी। साथ ही साथ आइस नेटवर्क भी यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रोवाइड करने लग गया है। अभी हम इन सब चीजों को डिस्कस साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं सिंपली एथेन नेटवर्क के बारे में। सिंपली फ्रेंड्स मैं आ जाता हूं यहाँ पे एथेन नेटवर्क की वेबसाइट के अंदर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक प्रोजेक्ट करता क्या है, लेयर टू मेन नेट फॉर इथेरियम। देखो जैसे यहाँ पे आपका आर्बिट्रम है, जैसे यहाँ पे आपका मैटिक है, जैसे यहाँ पे आपका जो है ऑप्टिमिज्म है, वो एक लेयर टू के प्रोजेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे देखो एक लेयर टू का मेन नेट फॉर इथेरियम में काम करने वाला, जहां पे आपको लो गैस फी लो आपको ट्रांजेक्शन फी देनी पड़ती है और हाई सिक्योरिटी के साथ ये जो है वो काम करता है। एक्सप्लोर द स्पीड ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ एथेन नेटवर्क, अ कटिंग एज लेयर टू सॉल्यूशन फॉर इथेरियम एंड रिवॉल्यूशन ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस। तो भाई यहां पे आपको लेयर टू के अंदर जैसे जैसे यहां पे आर्बिट्रम काम करता है, जैसे यहां पे जो है वो आपका ऑप्टिमिज्म काम करता है, उसी तरीके से जो है वो एथेन यहां पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों इनका बोलना यह है कि भाई इसको जो है वो आप अपने स्मार्टफोन से ही माइन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या इतनी रियलिटी है वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एथेन नेटवर्क इज अ लेयर टू मेननेट फॉर द इथेरियम, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉकचेन इकोसिस्टम एंड ऑफरिंग अ लोअर ट्रांजेक्शन फी एंड फास्टर स्पीड कंपेयर्ड टू इथेरियम। और इनका बोलना ऐसा है कि भाई इनकी जो ब्लॉकचेन है वो यहाँ पे मेन नेट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो नॉर्मल ब्लॉकचेन नहीं है, सिंपली जो है वो ब्रिज की यहाँ पे जो है वो आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AI फील्ड के अंदर भी जो है वो ये वर्क कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आपको डाउनलोड करके रख देना है और यहाँ पर से जो है वो आप इनके टोकन्स अर्न करोगे। लेकिन दोस्तों इनका कहना क्या है कि भाई आप किस तरीके से टोकन अर्न करोगे, क्यों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टोकन बांट रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने हनीगेन के बारे में बात करी थी। हनीगेन क्या करता है, आपका डेटा कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद जंप टास्क को देता है, जंप टास्क उसके बदले आपको टोकन्स देते हैं, टोकन्स को आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो, आप जो है वो रियल में USDT BNB जो भी खरीदना चाहे आप खरीद सकते हो। लेकिन एथेन यहां पे सेम काम करने वाला है, यहां पे जो है वो आपका रियल टाइम जितनी भी आप फोन में माइनिंग करोगे, माइनिंग करने के बदले देखो आपका फोन का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब वो कौन सा डेटा होगा, आपके मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होने वाले हैं, आपका यहां पे कोई भी गैलरी फोटोज नहीं होने वाली है, वो होने वाली है कि भाई आप कौन सी चीज मार्केट में सर्च कर रहे हो या आप कौन सी वेबसाइट यहां पे मार्केट के अंदर विजिट कर रहे हो, उस वेबसाइट का डेटा को कलेक्ट करेगा या आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करेगा कि भाई आपने कितने घंटे क्या किया, कितने घंटे आपने नेटफ्लिक्स चलाया, कितने घंटे यूट्यूब चलाया, कितने घंटे आपने एथेन चलाया। तो सारा का सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा, उसके बाद मार्केट प्लेस के अंदर जाकर सेल करेगा और उसके बाद देखो दोस्तों यहां पर जो है वो आपको अपने जो है वो एथेन टोकन प्रोवाइड करने वाला है। देखो यहां पर होने क्या वाला है, सबसे पहले आपको जेम टोकन दिए जाएंगे, जेम टोकन के बाद आपको एथेन टोकन दिए जाएंगे, आप उस एथेन टोकन को डायरेक्टली स्वैप करवा सकते हो USDT के अंदर। ठीक है, यहां पे कुछ इस तरीके से जो है वो आपको दिया गया है। अब इनका बोलना ये है कि भाई ये जो है वो बाइबिट के साथ ही पार्टनर है, कॉइन गीको साथ की पार्टनर है, gate.io KuCoin, लेकिन इन बड़ी-बड़ी कंपनी की तरफ से कोई भी यहां पे अभी तक ऐसे ऑफिशियल अनाउंसेस नहीं है। ये जो इन्होंने अपना पूरा चिट्ठा चिपकाया हुआ है कि भाई यहां पे हम इसके साथ ही पार्टनर है, इसके साथ ही पार्टनर है, ये बस हवाबाजी है मार्केट में अंदर अपनी हाइप बनाने के लिए। अपनी कॉइन को माइन करने के लिए सिंपली जो है वो आप इसके फोन में इंस्टॉल करो, हमारा रेफर कोड अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो, वरना जो है वो आप रेगुलर तरीके से माइनिंग भी कर सकते हो। यहां पे एथेन नेटवर्क सिक्योर यूर फाइनेंशियल फ्यूचर, ऐसा इनका बोलना है। अगर यहां पे आपको एथेन के साथ जुड़ना है तो आप यहां पे जाके जुड़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इनके रोड मैप की, रोड मैप क्या होने वाला है। क्वार्टर 1 2023 के अंदर जो है वो इनने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, AI असिस्टेंट ही आपको लेके आए, साथ ही साथ जो है वो AI इमेज जनरेशन भी लेके आए, 100K एक्टिव मेंबर यहां पे लेके आए।
वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पे एशिया एंड यूरोप के अंदर डेटा कलेक्शन सेंटर्स यहाँ पे लेके आए, मोबाइल के अंदर टेस्टनेट यूज करा गया। उसके बाद अभी बात करते हैं क्वार्टर फोर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि भी क्वार्टर फोर 2024 के अंदर यहाँ पे चल रहा है। 1 मिलियन यूजर्स इन्हें डाउनलोड कर रखे हैं या 1 मिलियन यूजर्स इनके पास है। अगर मैं यहाँ पे एथेन के ऊपर सर्च करता हूँ कि भाई एथेन के ऊपर कितने यूजर्स अभी करंटली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख यूजर्स अभी हैं। तो भाई 1 मिलियन से ऊपर डेटा इनके पास यहाँ पे भी पहुंच गया है। कंडक्ट मेन नेट डेवलपमेंट मेन नेट के अंदर ये काम कर रहे हैं। Continuous development on version 2 Athen of launch of Athen testnet. सबसे पहले testnet launch करेंगे और यहाँ पे 6000 plus game launch करेंगे, जिसके through आप जो है वो Athen token और extra तरीके से earn कर सकते हो। Quarter 4 के अंदर देखो दोस्तों यहाँ पे 10 million जब इनके user हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो अपनी mainnet यहाँ पे launch करने वाले हैं। वहीं अगर आप जो है वो इनको देख सकते हो, ये बोलते हैं कि भाई Athen को हम list करेंगे Binance के अंदर, Athen को list करेंगे हम OKX के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको DEX के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे और भी decentralized जो wallet है, जैसे कि MetaMask हो गया, चाहे आपका जो है वॉलेट हो गया, उसके अंदर जो है आपको देखने मिल जाएंगे। क्वार्टर फोर के अंदर देखो यहाँ पे आपको कंडक्ट ऐप वर्जन 2 टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट का ऑप्शन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो है वो आप इनके टोकन्स को फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसा इनका बोलना है। ओवरऑल पूरा का पूरा जो डेटा है एक ही पेज के अंदर यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। तो ओवरऑल काम है इनका डेटा कलेक्ट करना। अब देखो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एथेन नेटवर्क की वेबसाइट के इनकी एप्लीकेशन के अंदर जाके किस तरीके से एथेन काम करता है। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल टास्क है, कोई भी यहाँ पे जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बंदा इसको इंस्टॉल कर सकता है अपने स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पे सिंपली आप लोगों के सामने एक बटन आएगा माइनिंग का, जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग के ऊपर क्लिक करोगे आपकी जो माइनिंग है वो चालू हो जाएगी। अब जैसे ही आप माइनिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके टोकन यहाँ पे आपको माइन होते हुए मिल जाएंगे। देखो पहले यहाँ पे जो टोकन प्रोवाइड करते थे हर 3 घंटे बाद जो है वो आपको आपके क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन दोस्तों अब आप पूरे 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद जो है वो इनके टोकन को क्लेम कर सकते हो, 12 घंटे बाद जो है वो टोकन को क्लेम कर सकते हो, और हर 1 घंटे में आपको 1 जेम टोकन दिया जाएगा। देखो 3 कैटेगरी में जो है वो अपने पार्ट को इनने बांटा है, इनने कॉइंस को बांटा है। यहां पे आपको इन बिल्ट ऐप के अंदर पहले जेम्स टोकन दिए जाएंगे, उन जेम्स टोकन को आप कन्वर्ट कर सकते हो एथेन के अंदर, और उसके बाद जो है वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो यूएसडीटी के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पे आपको 8 डेज 21 आवर्स 52 मिनट और 54 मिनट के आसपास यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। जितने भी आप जेम टोकन अर्न करोगे इस डेज के अंदर, फिर वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ATS टोकन के अंदर ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है स्ट्रीक का। अभी जो स्ट्रीक है ना, ये डिपेंड करता है कि भाई आप कितने घंटे इनकी ऐप को यूज़ करते हो, और यहाँ पे डेली बाय डेली इनके जो टास्क हैं वो कंप्लीट करते हो उसके बदले आपको एक्स्ट्रा स्ट्रीक दिए जाते हैं, जिसको आप जेम्स कह सकते हो। इन जेम्स को कलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे रिसीव जैसे 5 लिखा है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है वो नेटवर्क क्रिएट करना है, जैसे आप जो है वो आइस नेटवर्क के ऊपर क्रिएट करते हो, जैसे आप जो है वो यहाँ पे अपने पाए के ऊपर करा हुआ है, तो उसी तरीके से जो है वो लोगों को रेफरल करना है। जितने ज़्यादा रेफरल्स आप कर पाओगे, जितने ज़्यादा KYC आप कंप्लीट करवा पाओगे, तो भाई उतनी जल्दी जो है वो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैक्सिमम कॉइन जो है वो अर्न करने वाले हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपने जितने भी टोकन अर्न करे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। अब ये जो टोकन है ऑटोमेटिकली इस दिन भर जो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है ना, ऑटोमेटिकली ये जो है वो आपके मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले टोकन्स, ये जो आपके वॉलेट्स के अंदर जेम टोकन है ये कन्वर्ट हो जाएंगे ATH के अंदर। और अभी ये ATH टोकन तब आपको प्रोवाइड करेंगे कन्वर्ट करने का ऑप्शन जब ये अपनी मेननेट लॉन्च कर लेंगे। मान लो इनका मेननेट मार्केट के अंदर आ जाता है, ये किसी डेक्स के अंदर लिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही दोस्तों आप ये ATH टोकन को USDT के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक अच्छी डील आप लोग के लिए बन जाती है कि आपको पैसा USDT के अंदर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इन्होंने भी आइस नेटवर्क की तरह क्विज वाला ऑप्शन मार्केट के अंदर लेके आ गए, वैसे ही इनने पहले एक क्वेस्ट वाला पार्ट अपने प्लेटफॉर्म के अंदर डाला है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए व्यू क्वेस्ट एंड रिसीव रिवॉर्ड्स, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आप KYC कंप्लीट करते हो, इनका कुछ टास्क वगैरह है वो कंप्लीट करते हो, आपको टिकट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिन टिकट्स को आप यूज कर सकते हो माइनिंग करने के लिए, आप इन टिकट्स को यूज कर सकते हो यहां पे एज अ इनके क्वेश्चन एंड आंसर मतलब होता है ना क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए जहां पे एक्स्ट्रा टोकन अर्न कर पाओ, तो यहां पे कुछ क्वेस्ट वाला पार्ट भी इनने लगाया हुआ है। अब यहां पे अगर इनने क्विज वाला पार्ट डाल दिया और मैक्सिमम लोगों की KYC फेल हो गई, तो भाई यहां पे जो है वो आपके टोकन्स आने वाले टाइम में बर्न भी हो सकते हैं। तो भाई ये चीज हमेशा ध्यान रखा, जैसे आइस नेटवर्क ने किया है, आइस नेटवर्क ने बहुत बुरा किया लोगों के साथ, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर अच्छे अच्छे लोगों ने जो है वो उनको रेफरल प्रोवाइड किया, अच्छे अच्छे लोगों ने जो है वो मार्केट के अंदर उनकी पहुंच बनाई,
और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, तो भाई उनके टोकन्स भी वो बर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई अगर बड़े बड़े क्रिएटर्स के टोकन अगर बर्न हो रहे हैं ना, तो भाई यहाँ पे आपके टोकन्स क्या ही मायने रखते हैं आइस के आगे। तो ये जो एप्लीकेशंस होती है ना, बहुत ही जल्दी अपना जो है मार्केट के अंदर जो हैबिट्स है ना, वो जो है चेंज कर लेती हैं। और इसके अंदर आपको जो है वो नेटवर्क क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, माइनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखना, यहाँ पे इन लोगों ने एक प्रीमियम भी दे रखा है, मैं सिंपली करता हूँ गेट एन एक्स्ट्रा 300% बूस्ट, जहाँ पे यहाँ पे अगर आप अपना इनका जो है वो ये वाले प्लान्स को खरीदते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालता हूँ, जो भी मेरा ईमेल एड्रेस उसके अंदर है goswamihoneyone@gmail.com, मैं बाय प्रीमियम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो भाई यहाँ पे $3 का इनका प्रीमियम पैकेज यहाँ पे खरीदता हूँ, तो भाई मैं यहाँ पे इनकी ऐप के अंदर एक्स्ट्रा टोकन्स अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, एक्स्ट्रा जो है मेरे को रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और हो सकता है यहाँ पे KYC में मुझे आने वाले टाइम में छूट मिल जाए। तो यहाँ पे आप ये सब चीजें भी कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे KYC कैसे आपकी कंप्लीट होगी। सिंपली देखो, अभी आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों के सामने KYC का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। KYC के ऑप्शन के अंदर क्लिक करने के लिए आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपके सामने कैमरा के अंदर करना है क्लिक, आपको जो है वो सामने सामने सेल्फी कुछ इस तरीके से ले लेनी है। अब जैसे ही आपने सेल्फी यहाँ पे ले ली है और इसको करते हो और अपडेट के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे जो है वो इनका सिस्टम चेक करेगा, और यहाँ पे अगर इनको अप्रूव करना होगा तो विद इन 1 घंटे में अप्रूव कर लेंगे या विद इन सेकंड अप्रूव कर लेंगे, बट यहाँ पे बोलता है एथेन AI सिस्टम इज करेंटली बिजी, कुछ टाइम बाद जो है वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप एथेन के अंदर वर्क कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एक्स का अकाउंट लिंक करना है, फेसबुक अकाउंट लिंक करना है, वो भी कर सकते हो, अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इनको देनी है तो यहाँ पर आप जो है वो दे सकते हो। बात करते हैं गेमिंग जोन की, यहाँ पे आपको एक लकी व्हील ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एथेन गेमिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई एथेन वाले गेम वाला सिस्टम भी आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं, कि भाई यहाँ पे जो है वो आप इनके गेम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, जहाँ पे जो है वो इनके गेम्स को खेल सकते हो, बट ये कैसीनो वाले गेम्स हैं, तो ध्यान से इनके गेम्स को यूज करना, आपके पैसे यहाँ पे जो है वो डूब भी सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का बोलना ये भी है कि भाई यहाँ पे आप लोगों के सामने कन्वर्ट करने का ऑप्शन एथेन वाले देने वाले हैं, जिसके बदले आप खुद से ही इनके टोकन्स को कन्वर्ट कर सकते हो। और सुनने में आ रहा है जो लायन कॉइन है, ये इनका एक मीम कॉइन है, जैसे यहाँ पे आइस वालों का स्नो टोकन है, वैसे इनका जो मीम कॉइन है, तो एथेन वाले ये काम भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनके ट्विटर फैमिली की, जहाँ पे आप देख सकते हो 3 लाख से ज़्यादा जो है इनके फॉलोवर है। अगर मैं फॉलोइंग की अगर बात करता हूँ तो बाइनांस और एलन मस्क को इन्हें जो है फॉलो करके रखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हो KYC का ऑप्शन जो है वो जल्दी ही रीओपन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारे, और इनका बोलना यह है दोस्तों यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लीचेस हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, वी रिग्रेट टू अनाउंस वी हैव एनकाउंटेड आर टेक्निकल ग्लीचेस लीडिंग आर टेम्प्रेरी सस्पेंड और एयरड्रॉप इवेंट्स, तो भाई एयरड्रॉप का इवेंट्स भी आने वाला है, और रिसेंटली एंजल राउंड्स भी इन्हें जो है वो कंप्लीट किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, आप ये कह सकते हो $2 मिलियन का जो है वो यहाँ पे जो है वो फंड जो है वो इन्हें रेज भी करा हुआ है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हो इनको जो है वो, बाकी दोस्तों ये यहाँ पे और भी कॉइन्स को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप AP टोकन्स को भी बाय कर सकते हो एज अ DES स्कैनर से, साथ ही साथ एप्पल स्वैप से, पैनकेक स्वैप से, अलग अलग जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। देखो इनकी कम्युनिटी माननी पड़ेगी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और जैसे कि इनने साफ साफ बोला है कि भाई ये Layer 2 मेननेट फॉर इथेरियम है, जैसे यहाँ पे आपका आर्बिट्रम है, जैसे यहाँ पे आपका ऑप्टिमिज्म है, और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है भाई, आर्बिट्रम इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑप्टिमिज्म इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप कह सकते हो मैटिक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अपने कुछ इस तरीके से माइनिंग एप्लीकेशन नहीं लेके आए। एथेन के पास बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो मार्केट में अंदर आके एयरड्रॉप सिस्टम जो है वो चालू कर सकता है, एयरड्रॉप के थ्रू जो है वो टोकन्स को प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो माइनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया, क्या ये रियल है कि फेक है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर रियल है तो किस हद तक रियल होगा, आइस नेटवर्क वालों ने भाई बहुत लोगों के साथ यहां पे धोखा करा है, तो इस वजह से ना मार्केट के अंदर आइस वालों का नाम यहां पे मतलब डूब चुका है, आप ये कह सकते हो। देखो ये भलाई ही बाइनेंस के अंदर लिस्ट करे तो ऐसा भी हो सकता है ये प्रोजेक्ट आइस वालों का ही हो, कोई यहाँ पे देखने नहीं जा रहा है बैकएंड के अंदर क्या है, कौन से टीम काम कर रही है, किसी के बारे में अच्छे से डिस्क्लोज नहीं करा है, ना ही इनके ओनर के बारे में किसी को पता है। बट दोस्तों मेरा तो कहना यह है, अगर आपको माइन करना है करो, आपको टोकन मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आपकी यहाँ पे जेब भर जाएगी, लेकिन इसके भरोसे मत बैठे रहना। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी, लेकिन अगर आप अपने फोन का जो डेटा है उसका भी ध्यान रखना,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका गैलरी यहां पे नहीं ली जाएगी या आपकी गैलरी यहां पे नहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके मोबाइल नंबर से यहां पे नहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे ऐसी एप्लीकेशन करती नहीं है, नहीं आइस नहीं करा, नहीं पाई नहीं करा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री का डेटा जो है वो कलेक्ट करती हैं, फिर मार्केट प्लेस के अंदर जाके सेल करती हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर से एथन के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। बाकी अगर आपको माइनिंग करनी है, माइनिंग के अंदर मैंने बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाई हैं जहाँ पे आप फ्लक्स को माइन कर सकते हो, रिसेंटली फ्लक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, भाई जाके देखो, फ्लक्स आपको एक अच्छी खासी पोटेंशियल दे सकता है इस बुल सीजन के अंदर। डीपिन का प्रोजेक्ट है, एआई भी आपको प्रोवाइड करा रहा है और अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी आपको निकाल के दे सकता है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, चैनल के अंदर नए हो अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो प्रेजेंट करते हैं, धन्यवाद।